हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल प्रिया क्लासेस दिस इज प्रियंका अखिलेश दीक्षित और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर टू पॉइंट फोर ऑफ क्लास नाइन्थ का सेकेंड क्वेश्चन के सोल्यूशन सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो टुडे वी आर गोइंग टू डू दी क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज टू सो आर क्वेश्चन इज यूज द फैक्टर थ्यूरम टू डिटरमाइन वेदर जी इज अ फैक्टर ऑफ पी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज ओके एज यू नो दैट दिस क्वेश्चन हैज़ मैनी पार्ट्स सो हमें वन बाय वन क्या करना है पीएक्स की वैल्यू के लिए हमें जी एक्स को चेक करना है कि ये जी एक्स जो हमें गिवन है क्वेश्चन में ये पीएक्स का फैक्टर है या नहीं है सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जीएक्स को जीरो पॉलिनोमल निकालना पड़ेगा उस वैल्यू को हम पुट करेंगे पी एक्स में ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब जैसे कि हमारे पास पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस वन ओके तो हमारे हमें सबसे पहले क्या करना है जी एक्स को हमें पुट करना है इक्वल टू जीरो तो हमें जी एक्स क्या गिवन है क्वेश्चन में एक्स प्लस वन ओके तो x प्लस वन को हमें क्या करना है जीरो के बराबर रखना है और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस वन जीरो ऑफ जी एक्स जो हमारे पास निकल के आया है वो क्या आया है माइनस वन इस माइनस वन को हम इस पॉलीनॉमिल में पुट करेंगे ओके okay? तो माइनस वन को मैं इस पॉलीनॉमिल में पुट करती हूँ और चेक करते हैं कि ये ज़ीरो आता है या नहीं आता है प्लस वन माइनस वन स्क्वा माइनस वन स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस वन ओके अब हम इसको सॉल्व करते हैं हमें पता है माइनस वन का क्यूब क्या होता है माइनस वन तो ये हो जाएगा माइनस टू प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर होता है वन ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस एंड ये माइनस वन सो इस माइनस टू से ये प्लस टू कैंसिल हो जाएगा और इस प्लस वन से ये कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो अब अगर ज़ीरो आ गया है पी ऑफ माइनस वन जीरो आ गया है तो इसका मतलब क्या है सो देयर फोर बाय फैक्टर थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि जो हमें गिवन जी एक्स है वो क्या है हमारे फर्स्ट पार्ट का फैक्टर है जीएक्स इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स ओके तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका सोल्यूशन हमने निकाल लिया है सो so, अब हम सॉल्व करेंगे हमारा सेकेंड पार्ट तो हमारा सेकेंड पार्ट में हमें जो पॉलिनॉमिल गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन और हमें जो जी एक्स गिवन है वो है एक्स प्लस टू तो हम यहाँ जी एक्स को हम पुट करेंगे इक्वल टू जीरो एंड वी विल फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स एंड दैट वैल्यू वी हैव टू पुट इन दी पी एक्स ओके तो सबसे पहले हमें क्या करना है जी एक्स को जीरो पुट करना है तो जी एक्स को मैं जीरो पुट करूंगी तो जी एक्स मुझे गिवन है एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो तो मुझे यहां से एक्स की वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी माइनस टू तो इस तरह जो है जीरो ऑफ जीएक्स जो निकल कर आया वो आया है माइनस टू उस वैल्यू को हम पुट करेंगे हमारे PX तो पी एक्स में ओके तो नाउ पी एक्स में हम वैल्यू पुट करेंगे पी माइनस टू इज इक्वल टू क्यों हमें क्या गिवन है माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस टू प्लस वन ओके तो ये हमने क्या किया माइनस टू को एक्स uh, की जगह पुट कर दिया है और अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे माइनस टू का क्यूब क्या हो जाएगा माइनस एट है ना टू टू जा फोर फोर टू जा एट तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा थ्री uh, बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर यानी कि थ्री इंटू फोर हो जाएगा हमारे प्लस ट्वेल्व यहां पर थ्री इंटू माइनस टू ये हो जाएगा माइनस सिक्स और ये हो जाएगा प्लस वन ओके तो इस तरह जो है हमारे पास जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस फोरटीन एंड ट्वेल्व प्लस वन इज प्लस थर्टीन तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वन जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है अब क्योंकि हमारे पास जो है जी एक्स की वैल्यू जो हमने पुट की थी माइनस टू वो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो आया है इसलिए बाय फैक्टर थ्योरम जी एक्स जो है वो फैक्टर नहीं है पी एक्स का सो बाय फैक्टर थ्योरम जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स जो हमें गिवन है ओके okay? तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन अब हम करते हैं हमारा थर्ड पार्ट सो so, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमारा थर्ड पार्ट जिसमें हमें पॉलिनोमियल जो गिवन है वो है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स तो हमें सबसे पहले हम जैसे अभी तक करते आए हम क्या करेंगे जी एक्स को पुट करेंगे इक्वल टू जीरो जब हम जी एक्स को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स की वैल्यू थ्री अब इस थ्री को हम पुट करेंगे हमारे पीएक्स में ओके तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ थ्री का क्यूब माइनस फोर थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री एंड प्लस थी सिक्स तो अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो थ्री का क्यूब हो जाएगा ट्वेंटी सेवन थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री ओके माइनस फोर इंटू थ्री का स्क्वायर नाइन तो ये हो जाएगा हमारे पास थर्टी सिक्स प्लस थ्री एंड प्लस सिक्स जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा थर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्स जो कि इक्वल टू जीरो है तो ये जी एक्स की वैल्यू जब मैं जीरो पुट करती हूँ जो वैल्यू मेरे पास एक्स की आई उसे मैं पॉलिनॉमल में पुट करती हूँ तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू uh, आ रही है वो जीरो है तो इसका मतलब है कि बाय फैक्टर थ्योरम जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स सो ये हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन था उसके तीनों पार्ट्स जो है हमने सॉल्व कर लिए हैं आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे फर्दर क्वेश्चंस को देखने के लिए उनके सॉल्यूशंस को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो